सिमरिया पत्थलगड्डा प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय हिंदी पतसिमरिया में वैश्विक महामारी कोविड 19 की तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए विशेषज्ञों की सलाह पर कोविड टीकाकरण का बूस्टर डोज देने की शुरुआत हुई। जिला मुख्यालय सहित जिले के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर टीकाकरण किया गया। इस संबंध में MPW डॉक्टर वेद प्रकाश ने बताया, पहले दिन प्रखंड में पहला डोज 6, दूसरा डोज 10, आज पहले दिन में बूस्टर डोज 19, कुल डोज 42 लोगों ने कोविड टीके बूस्टर डोज ली। इसमें वैसे लोगों को बूस्टर डोज दिया जाएगा जो लोग दोनों डोज ले चुके हैं, जिसका 9 महीने हो चुका है वही लोग ले सकते हैं। बताते चले कि वैश्विक महामारी कोविड 19 का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन वर्तमान में पूरी दुनिया में तबाही मचा रहा है। हमारा देश भी इससे अछूता नहीं। ऐसे में लोगों को ओमिक्रॉन अन्य भावी वेरिएंट के संक्रमण से बचाने के लिए देश में प्रिकॉशनरी डोज या बूस्टर डोज टीकाकरण प्रारंभ किया गया है। साथ ही सभी प्रखंडों में भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में केंद्र बनाया गया है। वहीं पत्थलगड्डा प्रखंड के स्वास्थ्य विभाग के AWM ममता कुमारी, CHO सरोज मिंज, आंगनबाड़ी सेविका अनीता देवी, सहिया मंजू देवी अन्य उपस्थित थे। सिमरिया से प्रमोद राणा की रिपोर्ट। बूस्टर डोज के विषय में कुछ बता सकते हैं आप? हाँ, बूस्टर डोज जो है अभी जिनका सेकेंड डोज कोवैक्सीन चाहे कोविशील्ड लिए हुए 9 महीना या 273 दिन जिसका कंप्लीट हो चुका है वो बूस्टर डोज ले सकते हैं। बहुत ही सुरक्षित है। अब हम लोग का थर्ड वेरिएंट आ गया है, उसके लड़ने के लिए भी कही है तो हम लोग बूस्टर डोज ले रहे हैं ताकि हम लोग थर्ड वेरिएंट का सामना कर सकें। कोरोना को लेकर जो अभी सरकारी गाइडलाइंस जो किया जा रहा है उस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं? सरकारी गाइडलाइन के तहत जो भी प्रोटोकॉल अभी हम लोग को दिया जा रहा है, हम लोग तो कोशिश में है कि सभी को इसका पालन करें, मास्क लगाएं, हैंड सैनिटाइज करें, डिस्टेंस बना करके रहें ताकि हम लोग इससे लड़ सकें। इस महामारी से लड़ने के लिए हम लोग को ये बहुत ही जरूरी है प्रोटोकॉल को पालन करना। निर्माण का भरोसा लाल स्टील GMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील GMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।